बचपन में हम एक खेल खेला करते थे छुपन छुपाई। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे कुछ लोगों का पसंदीदा खेल है वो छुपन छुपाई। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े छुपाओ, बेरोजगारी के आंकड़े छुपाओ, नोटबंदी की सच्चाई छुपाओ, असली जीडीपी के आंकड़े छुपाओ, दीवार के पीछे गरीबी को छुपाओ, और अब आज समाचार पत्रों में साफ साफ लिखा आता है कि 40 साल की सबसे कम भारत की खपत को छुपाओ। छुपाने से सच्चाई मिट नहीं सकती। आप अगर सोचें कि मैं छुप जाऊं और ये चीज जो हो रही है ये नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि मैं आंखें बंद कर लूं और जो बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल का या 40 साल की सबसे कम खपत का आंकड़ा छुप जाएगा, छुप नहीं सकता। आप ये चाहो कि ये भार लोगों के बीच में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोग जब स्पेंड करते हैं उनको पता है, हर व्यक्ति को पता है कि उसकी जेब में पैसे कम बचे। जब उसकी जेब में पैसे कम बचेंगे तो खपत तो कम होगी, और ये कोई अचानक नहीं हुआ है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये छुपन छुपाई कहां से चालू होती है। पिछले 9 साल की सबसे कम आय में वृद्धि हुई देश में लोगों की। जब आय में वृद्धि सबसे कम होगी पिछले 9 साल की, तो निश्चित रूप से बचत भी घटेगी, क्योंकि महंगाई 7 जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो 7.59% रिटेल इन्फ्लेशन का, जो जनवरी 2020 का आंकड़ा है। तो मैं ये कह रहा था, खर्च घटेगा और आपकी आय में वृद्धि 9 साल की सबसे कम होगी तो बजट घटेगी, बचत घटेगी और महंगाई बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी और जीडीपी ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी, तो सरकार को राजस्व जो प्राप्त होता है वो घटेगा, और राजस्व प्राप्त जो सरकार को होता है वो घटेगा, कंपनियों की जो टॉप लाइन है वो घटेगी, तो निश्चित रूप से रोजगार घटेगा। तो ये विशियस साइकिल है। आप इसको छुपाने से, आंकड़ों को छुपाने से, रिपोर्टों को छुपाने से आप सत्य को नकार नहीं सकते। सत्य बिल्कुल सामने है, और सत्य सरकार की पसंदीदा रेटिंग एजेंसी, आपको याद होगा इस रेटिंग एजेंसी के बारे में कसीदे बड़े बड़े लोग कहते थे कि भाई साहब हमने उन्होंने हमको बोल दिया। उसी रेटिंग एजेंसी मूडी ने आज एक ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है कि 2020 में ग्रोथ रेट भारत की 5.4% रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने 3 दिन पहले बोला 6 से 6.5, मूडीज बोलते हैं 5.4%, क्योंकि वो छुपा नहीं रहे हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। इस छुपने से आपने आज, मुझे समझ में नहीं आते, छुप के आप लोगों के साथ में युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न करना चाहते हो। आप कल हमने प्रेस वार्ता की, देश की महिलाओं के प्रति आपने वॉर अगेंस्ट वीमेन कर रखा था, उनको बोला आप कॉम्बैट रोल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हमने कल ही यहाँ इसी पटल से स्वागत किया। आपने वॉर अगेंस्ट यूथ कर रखा है, वॉर अगेंस्ट स्टूडेंट्स कर रखा है, बेरोजगारी को बढ़ा के आपने वॉर अगेंस्ट फार्मर्स कर रखा है। पिछले 6 साल में 3% जीडीपी ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और 2022 में आप बोल रहे हो किसानों की आय डबल हो जाएगी, डबल करने के लिए 15% की ग्रोथ रेट चाहिए। आपने वॉर अगेंस्ट ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स कर रखा है, 0.3% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है दिसंबर 2019 में, और सब्जियों में जो कीमतों में वृद्धि 50.6% सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है, ये इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। आपने वॉर अगेंस्ट कॉमन पर्सन ऑफ द कंट्री कर रखा है, उसको ना तो जेब में पैसे हैं, ना नौकरी है, नौकरी है तो आधी कीमत की नौकरी है, हमेशा सर पे तलवार लटकी हुई है कि कब रिट्रेंचमेंट हो जाए, कब नोटिस मिल जाए, कब 3 महीने का वेतन दे के मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए, ऐसे हालात उत्पन्न करा दिए। और जब कोई आंकड़ा सरकार की एजेंसी NSO जब वो आंकड़ा लेके जाती है कि भैया ये 40 साल की सबसे कम खपत है, और ध्यान रखिए अगर खपत कम होती है ना, तो निश्चित रूप से जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो बढ़ती है।
अगर लोग अगर खपत में कोलगेट टूथब्रश टूथपेस्ट टूथब्रश भी नहीं खरीद पाएंगे तो इससे पॉवर्टी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 2005 से लेके 2015 तक यूएनडीपी का आंकड़ा है और वो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। यूएनडीपी का आंकड़ा कहता है 2005 से 15 के बीच आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी उन्मूलन का में अगर कहीं श्रेय मिला है या कहीं सक्सेस मिला है तो 5 से 15 के बीच देश के 27 करोड़ 10 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये यूएनडीपी का आंकड़ा है और उसी यूएनडीपी की स्टडी में कहा गया, जिसकी मजाक कई बड़े बड़े नेताओं ने संसद में खड़े होकर उड़ाई कि मनरेगा नहीं होगी, उसी यूएनडीपी के स्टडी में कहा गया है कि 27 करोड़ 10 लाख लोग 2005 से 15 के बीच अगर गरीबी से बाहर आए हैं तो इसका एकमात्र श्रेय मनरेगा है, मनरेगा के कारण ये संभव हो पाया है। तो आज आप कहां लाके खड़ा कर रहे हो, छुपाने से, आंकड़ों को दबाने से, पत्थर की दीवारें चुनवा के आप गरीबी को नहीं छुपा सकते। गरीबी को अगर आपको हटाना है तो आपकी नियत होनी पड़ेगी, आपको उनके उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाने हैं उस पर काम करना पड़ेगा। दीवारों से अगर काम होता तो सारे, और ये गुजरात मॉडल की बात करने वाले वही दीवारें लगा रहे हैं। 15 साल जिस सूबे के आप मुख्यमंत्री रहे, वो 6 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, उसी की राजधानी में दीवार लगा रहे। लोग मजाक कर रहे हैं कि भैया वो तो हवाई जहाज से आएंगे, तरपाल भी लगाओ, हवाई जहाज की खिड़की में से देख लिया तो सब आपकी जो मॉडल है वो सामने बाहर आ जाएगा। छुपाने से इन चीजों का निदान नहीं होता। हमने बार बार इस पटल से बोला है, बार बार बोला है कि अगर किसी बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले उस बीमारी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप सोचते छुपाने से बीमारी का इलाज हो जाता है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी, लाइलाज बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, वो सोचे नहीं 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 हुई, मैं इलाज ही नहीं करवाऊंगा, क्या ये संभव है? ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है हम चाहते हैं। और ये विषय राजनीति से बहुत ऊपर है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोगों की गरीबी का विषय है, ये कंजम्पशन का विषय है। 40 साल में पहली बार खपत घटी है देश की, और खपत घटने का मतलब गरीबी बढ़ी है देश में, सीधा सा मतलब है। इसके लिए एमए इन एंटायर इकोनॉमिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सा विषय है, ये बहुत सरल विषय है। जब आपकी खपत घटेगी तो आपका गरीबी बढ़ेगी। महंगाई, आप ही के आंकड़े कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है निरंतर रूप से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, 23 में से 16 सेक्टर्स में भयंकर डिप है, और आप छुपाना चाहते हो। आपको हम, मैं इस पटल से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, भारत के लोगों की ओर से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को ना छुपाएं, आंकड़े लेके आए, सदन में भी डिस्कस करें, सड़क पे भी डिस्कस करें। और मुझे ऐसा विश्वास है कि छुपाने से बेहतर ये होगा कि आंकड़े अगर बाहर आएंगे कि तो भारत के युवाओं में, भारत के लोगों में, भारत की महिलाओं में उतनी शक्ति है कि आज भी हम इन चीजों की सामना कर सकते हैं। पर पहले आपको एक्सेप्ट तो करिए, आप बिना एक्सेप्ट करे कैसे इस चीज का निदान होगा? इस विषय पे मुझे ब्रीफिंग करनी थी। आप चाहें तो मैं अंग्रेजी में भी अपनी बात को सारगर्भित तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। भाई साहब, ये तो पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ही तो दबाया जा रहा है। उस रिपोर्ट, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन बोल रहे हैं कि मैं ये रिपोर्ट आगे प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आगे देश को बताना चाहता हूँ, उसको रोक लिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट सही नहीं है, आपका डाटा कलेक्शन सही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ डाटा कलेक्शन को छोड़ दो, मैं तो भारत के लोगों से पूछता हूँ आपकी स्पेंडिंग कम हुई कि नहीं हुई पिछले सालों में। आप स्पेंडिंग मतलब आप अगर रोज का 10 रुपये खर्च करते थे, 20 करते थे, 50 करते थे, उसमें कमी आई कि नहीं आई? हमको डाटा की जरूरत ही नहीं, यथार्थ सामने दिख रहा है।
डाटा की जरूरत तो उन लोगों को है जो झूठ की परिकल्पना में जिंदा रहना चाहते हैं, हम तो सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो यही जो आप जो रिपोर्ट की जो बारीकियां मुझसे पूछ रहे हैं, वो रिपोर्ट तो क्रश कर दी सरकार ने, उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसको बोला कि 21-22 में नई मेथोडोलॉजी से, मेथोडोलॉजी चेंज करने से ये जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो पाता। मेथोडोलॉजी चेंज करने से हो सकता है आप अपने पेपर पे दिखा दो कि कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर शरीर में दिक्कत है उसको आप ठीक नहीं करोगे तो वो छोटी सी चीज बड़ा नासूर बनेगी। और ये आपने पूछा कि ऐसा कैसे, खपत क्यों घटी, आपका ये सवाल था खपत क्यों घटी, आप बताइए। ऑर्गेनाइज सेक्टर की खपत, ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो आपने खत्म कर दिया गलत तरीके से जीएसटी लाके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया आपने नोटबंदी लाके, तो फिर खपत रहेगी कैसे, खपत घटेगी नहीं तो क्या होगा। इकोनॉमी के दोनों सेक्टर्स में को के सीने पे गोली मार दी और अब आप पूछ रहे खपत कैसे घटी। अरे खपत तो घटनी थी क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। और ये विशेष साइकिल है, आप ये सोचें कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उत्पादन में इसका क्या असर होगा, होगा, उत्पादन घटेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी उत्पादन घटेगा तो इसका असर ये होगा कि सारी कंपनियां हो सरकार हो उनके राजस्व में कमी आएगी, राजस्व में कमी आएगी, वो आ ही रही है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के टारगेट्स पे नहीं हो रहे, जीएसटी कलेक्शन एज पर टारगेट्स नहीं हो रहे, होंगे कैसे, लोग कमाएंगे जब टैक्स देंगे ना, लोगों की नौकरियां रहेगी तो टैक्स देंगे ना, तो और जब आपका राजस्व कलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप सोशल अपलिफ्टमेंट की स्कीम्स में पैसा नहीं दे पाओगे। तो ये पता नहीं छुपाने से कब इस छुपन छुपाई से बाहर आओ, ये छोटे बच्चों का खेल होता है। अब 10-12-15 साल के बाद छोटे बच्चे भी छुपन छुपाई नहीं खेलते हैं, उसके बाद वो चीजों को यथार्थ में स्वीकार करते हैं। और आप दीवार, ईंट की दीवारें चुनाए जा रहे हो कि भैया इधर ना देख ले, उधर ना देख ले, अरे वो तो जिसको जहाँ देखना है जो वो तो देखेगा ही। आप इससे अच्छा ये 15 साल क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे और ये राज्य का सबसे मैं कहूंगा ग्रोथ इंजन था उस राज्य का, वहां पे आपको छुपाना पड़ रहा है, ऐसा क्या किया था फिर आप कहिए कि जो हम मॉडल नाम लेते थे कि ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल क्या था, छुपन छुपाई गुजरात मॉडल नहीं था, गुजरात के लोगों में साहस था, उनमें उद्यमशीलता थी, पर ये दीवार चुनवा के गरीबों को छुपाने का गुजरात मॉडल ना तो गुजरात के लोगों का ना था ना भारत के लोगों का। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैंने स्वयं ने और मेरे कई साथियों ने इसी पटल पे बार बार पूछा था कि दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, ट्रेंड मतलब जो पढ़ा लिखा हो, जिसने इकोनॉमिक्स की कोई एजुकेशन ली हो, ले आओ, जिसने कहा हो कि नोटबंदी फायदेमंद है, दुनिया का एक ऐसा ट्रेंड इकोनॉमिस्ट ले आओ जो कह रहा हो कि बिना तैयारी के आनंद फानंद में 12 बजे रात को ढिंडोरा पिटवा के जीएसटी लागू कर दो, सबने मना किया था। दुनिया का ऐसा एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट ले आओ जो बोलता है कि डाटा को छुपाने से विकास में गति आती है। दुनिया का एक ऐसा ट्रेंड इकोनॉमिस्ट ले आओ जो बोलता हो कि आप समस्या को बिना एक्सेप्ट करे समस्या का हल निकाल सकते हो। बजट के बाद मैंने भी एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें कहा था 2 घंटे 41 मिनट तक माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण दिया, लास्ट के 1-2 पेज तो 2 थे कि 3 थे मुझे नहीं पता, पर लास्ट के कई पेज मान लिए गए कि हो गया क्योंकि वो बोल ही नहीं पाई इतना, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, 2 घंटे 41 मिनट बोलने के बाद आदमी थक जाता है। 2 घंटे 41 मिनट में माननीय मंत्री जी ने एक बार भी बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे इसका संदेश दिया देश को, एक शब्द भी उस पे लिखा हुआ है कि 45 साल की सबसे कम बेरोजगारी को हम कैसे दूर करेंगे। हर बजट जो बनता है, हर आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि पे उस बजट को टारगेट रखना पड़ता है। इस बजट की क्या पृष्ठभूमि थी, इसमें क्या फोरसाइटेडनेस थी, आपने भाषण पे भाषण विजन और मिशन और 100 लाख करोड़ और 150 लाख करोड़, अच्छी बात है, हमने तो मैंने खुद ने बोला 5 ट्रिलियन की और 500 ट्रिलियन की बात करो, पर कैसे
उसका एक ब्लूप्रिंट दियो। उसके बाद यही तो वो प्रोफेसर अश्विमा गोयल ने बोला कि इसमें कैसे चीजें होगी उसका उल्लेख नहीं है, कैसे करोगे, ये कैसे अचीव होगी, जो जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट आप दे रहे हो वो कैसे अचीव होंगे, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो आप बता रहे हो वहां पे आप कैसे पहुंचोगे, जीएसटी के कलेक्शन अभी तक क्यों नहीं अपने डिजायर्ड लेवल तक पहुंच पाए इसके बारे में आप उल्लेख करेंगे, कंज्यूमर रूरल कंज्यूमर स्पेंडिंग क्यों घट रही है उसके बारे में आप उल्लेख करेंगे, 12 साल की न्यूनतम मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में उल्लेख करेंगे। क्या किया आपने? ये बोला मेक इन इंडिया के अंदर अब असेंबल इन इंडिया भी आ जाएगा। ये दूरदर्शिता नहीं होती, शायद प्रोफेसर अश्विमा गोयल ने इसी बात का उल्लेख किया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की प्रोफेसर अश्विमा गोयल मेंबर है, प्रधानमंत्री जी उनकी बात जरूर सुनते होंगे, जब भी वो उनकी मेंबर है प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुनेंगे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो आज जो विषय हम बता रहे हैं इसमें कोई राजनीतिक दुर्भावना या कोई भी, मैं हम हिंदुस्तान की आवाज़ बन के बात कह रहे हैं कि आप खपत घट रही है, कुछ करिए। और आप खपत घट रही के डाटा को आप कह रहे हो मेथडोलॉजी खराब है इसलिए इसको हम रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या मेथडोलॉजी खराब है? मुझे तो सिर्फ ये लगता है आपकी नीयत खराब है, बाकी मेथडोलॉजी तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ये सवाल अलग है और उनका सवाल अलग है। आपने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन नहीं नहीं जो डाटा का आप उल्लेख कर रहे हैं, जो आई एम सेइंग द कंटेक्स्ट कि आप फ्रांस और ब्रिटेन में ये ग्रोथ रेट है आपकी 5.4% मूडीज बता रहा है। देखिए यू कांट कंपेयर कंट्री लाइक इंडिया विद दीज कंट्री, इसमें एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। बिकॉज आपका अगर बेस अगर एक्स है और आपका एक बेस एक्स माइनस है, तो अब आपका एक्स प्लस पे बेस है मान लो, तो ग्रोथ आपकी एब्सोल्यूट अमाउंट में ज्यादा भी होगी तो परसेंटेज वाइज कम आएगी क्योंकि आपका बेस बड़ा है। और आपका बेस अगर कम है एक्स माइनस है और ग्रोथ एब्सोल्यूट अमाउंट में कम भी होगी तो परसेंटेज में वो ज्यादा आएगी। तो आप जो इकोनॉमीज का कंपैरिजन कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हाई यू आर कंपेयरिंग स्मॉल कंट्रीज, स्मॉल इन द साइज एंड पॉपुलेशन, हम वी वर ऑलवेज कन्वेड बाय द पीपल और इकोनॉमिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, आपने कई जगह पढ़ा होगा। अब ये खपत ही कम हो गई, जब खपत कम होगी तो आपकी कंजम्पशन ड्रिवन कैसे है? आपकी जीडीपी का इसका इमीडिएट इंपैक्ट आएगा। और आपका सवाल से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं बिकॉज यू कांट कंपेयर इंडिया विद ब्रिटेन और फ्रांस। आई एम नॉट ट्रैशिंग, आई एम सेइंग आई कांट वी कांट कंपेयर इंडिया विद दीज स्मॉल कंट्रीज। Regarding that member of the parliament, I know, member of parliament from the Labour Party, I think government should come out with what are the reasons that she was denied to enter, and is this really something which they want to convey, that what's the threat she is bringing to the India? So if they can give some justification of that, then only I think it's appropriate to comment on whether it's justified or correct or not correct. But we are waiting that government should come out with the exact reasons that why the visa and why she was not allowed to enter. Yes. तो मैम ये जो आपने सवाल पूछा ना वो टैरिफ के संदर्भ में है। यूएस का एक